हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल जीके विजार्ड पर आप सबका स्वागत है। तो साथियों, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वैकेंसी आई है कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2020, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आ गई है यूपीएससी की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2020 CPF शो डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक यह इन्फॉर्मेशन जा सके। तो आगे बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या हैं? तो एप्लीकेशन जो है वो 18 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 7/9/2020 अप टू 6 PM, यानी कि 7 सितंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 7/9/2020 6 बजे तक आप शाम को कर सकते हो। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 दिसंबर बताई गई है, 20/12/2020। तो साथ ही एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर में आपको एग्ज़ाम से कम 15 दिन से 20 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पर जनरल और ओबीसी को 200 रुपये पेमेंट करनी है। SC ST की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल जितनी भी फीमेल हैं उनको भी कोई फ़ीस का चार्ज नहीं देना है, उनके लिए भी फ्री है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप फीस की पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फ़ीस की पेमेंट कर सकते हो फॉर्म फिल करने के बाद। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ की थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं, वैकेंसीज़ के बारे में क्या क्या यहाँ पर दिखाया गया है। डिपार्टमेंट दिए गए हैं और टोटल पोस्ट दी गई है। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है और एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। तो BSF के लिए 78 पोस्ट हैं, CRPF के लिए 13, CISF 69, ITBP 27, SSB 22 और 20 से 25 साल की जो एज है वो 1/8/2020 को, यानी कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो मेजर की जाएगी। कम से कम 20 और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा। तो फिजिकल टेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक बार जो हमारा नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेट वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट इस फॉर्म के अंदर है वो सारी बातें मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो टोटल 209 वैकेंसियाँ डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं। BSF, CRPF सब जगह पर ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट हैं, आप देख सकते हो इनको अपने अकॉर्डिंग। और रिटन एग्ज़ाम होगा आपका इसके लिए और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 10% वैकेंसीज विल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर तो ये एग्ज़ाम के सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो जो जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो एज यहाँ पर 20 ईयर मिनिमम एज बताई गई है और मैक्सिमम 25 साल की एज यहाँ पर दिखाई गई है। 1 अगस्त 2020 तक मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेजर की जाएगी और 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2000 तक इन इसके बीच आपका जो है जन्म होना चाहिए वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एज की जो रिलैक्सेशन की बात है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो एज है शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब के लिए SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, जबकि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है 5 साल की।
आगे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी टाइप की डिग्री आपने की हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिमांड है। तो यहाँ पर फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका, उसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो मेडिकल भी आपका होगा, तो उसकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। ये आप अपना यहाँ पर जो दिया गया है, मेल और फीमेल की अलग अलग, 100 मीटर की रेस है, 800 मीटर की है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, तो ये सब आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेना, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि अगर कोई फीमेल उस टाइम पे प्रेग्नेंट है जिस टाइम पे फिजिकल टेस्ट होना है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा चांस उसको नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका, 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और एग्ज़ाम होंगे आपके, दो एग्ज़ाम होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू एग्ज़ाम। यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसीजर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन भी दिया गया है कंप्लीट नोटिफिकेशन के अंदर। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, ये 20 दिसंबर 2020 को डेट दी गई है, 10 AM से 12 PM तक, यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। और उसी दिन आपका सेकंड पेपर भी होगा, वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा इवनिंग में। और जो फर्स्ट पेपर है वो 250 यानी कि 250 नंबर का है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 नंबर का ये टेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। जबकि सेकंड पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन का होगा, वो 200 मार्क्स का होगा, और वो आप देख सकते हो 3 घंटे का पेपर होगा, 3 hours का टाइम उसमें आपको दिया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप पेपर वन की जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो फर्स्ट पेपर आपका इनके अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड पेपर का यहाँ पर और डिटेल दी गई है, तो आप इन डिटेल्स को अच्छे से देख लेना। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिस्टेंट विजन, बेटर आई, वोस्ट आई और नियर विजन, ये आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न कर लेना, इनके बारे में वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देगा। पहले आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर चेक कराना, ताकि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप कंप्लीट प्रोसेस के बाद फिर इन द एंड आपको पता चलता है कि आप मेडिकली इस पोजीशन के लिए फिट नहीं हो, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आपका टाइम भी लॉस होता है और मेहनत भी सारी बेकार जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करना इसके बारे में। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ। इसके अलावा जीके अविजार्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट, एग्ज़ाम्स की अपडेट और रिजल्ट्स की अपडेट मिलती हैं, साथ ही आपको अपडेट रखा जाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की जीके की सीरीज़ हमारी चली हुई है, 1000 क्वेश्चंस की अभी चली हुई है, उसकी 3-4 क्लासेज हो भी चुकी हैं, वो क्लासेज हमारी लाइव रहती हैं, और करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेज वीकली बेसिस पर आपको मिलती हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।